आज का मेरा व्लॉग आप सबकी ज़िंदगी बदल देगा, एक नई उम्मीद आप सबके दिल में जाग जाएगी। अक्सर असल ज़िंदगी जब हमारी शुरू होती है तो वो शादी के बाद शुरू होती है। जितनी भी स्ट्रगल होती है वो शादी के बाद ही शुरू होती है। चलो चलते हैं वीडियो के तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस तरह था जब मैं शादी से पहले सारे ग़मों से बेफिक्र होती थी, नमाज पढ़ लेती थी, अम्मी उठा देती थी, पर वजीफे भी करती थी, बस इतने करती थी, इतने ख़ास नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आएगा कि ऐसे ऐसी परेशानी आएंगी कि मैं उनको ना देखकर ही डर जाऊंगी बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता था। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़त्म किया हुआ था, अम्मी ने मुझ पर ख़त्म करवाया था। मेरी जो बड़ी बहन है उसने भी बहुत छोटी उम्र में ख़त्म किया था और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसी मेरी शादी हो गई, शादी के बाद बहुत मतलब आपको पता है ना, परेशानियां तो होती हैं। जैसी परेशानियां आती गई तो मैंने साथ अल्लाह ताला का नाम लेना स्टार्ट कर दिया, वजीफ़े शुरू कर दिए। जब भी मुझ पे कोई परेशानी आती तो कोई ना कोई अमल मैं ज़रूर करती थी, और अक्सर मैं लोगों से सुनती थी कि जो दिल का सुकून है ना वो सूरह रहमान से। वाकई में सूरह रहमान में ऐसी पावर है, ऐसी ज़बरदस्त, कि मैं आपको क्या बताऊँ। अक्सर लोगों को होता है ना शादी के बाद, असल मैं कह रही हूँ ना कि असल ज़िंदगी जो होती है ना वो शादी के बाद होती है। वो ऐसे कि अगर कोई लड़की है उसका हस्बैंड वफ़ादार नहीं है, अपनी बीवी के साथ बेवफाई कर रहा है, किसी लड़की को ससुराल से या फिर शादी से पहले रिश्ते ना आना, शादी के बाद औलाद ना होना, ये भी एक स्ट्रगल है। ससुराल को कोई लड़की इस तरह होती है ना शादी के बाद ससुरालियों को खुश करने में लगी होती है, स्ट्रगल कर रही होती है पर कामयाब नहीं होती, तो उस दौरान उसको अच्छा खासा डिप्रेशन हो जाता है। और कुछ लोग तो हस्बैंड की तरफ से भी खुश होते हैं, ससुराल वाले की तरफ से भी खुश होते हैं, और माली हालात भी उनके बेहतर होते हैं, पर बदकिस्मती उनकी यहाँ पे होती है कि उनकी औलाद नहीं होती, तो वो भी काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ बेचारी लड़कियों के रिश्ते नहीं आते तो वो भी डिप्रेशन में चली जाती है। आपने देखा होगा ना कि फिर वो चुपचाप सहमी सहमी सी बैठी होती है, ना इनका घर में कोई दिलचस्पी होती है, ना बाहर आने जाने में, बस सोचों में गुम होती है। तो वो भी डिप्रेशन है रिश्ते ना आने की, उम्र गुजर जाती है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी करीबी कोई रिश्तेदार थे, उनकी हाँ औलाद नहीं थी। तो जब मैं उनके घर गई तो वो सूरह रहमान की तिलावत करी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं सूरह रहमान पढ़ती हूँ, 7 दिन तक मैं इस तरह पढ़ती हूँ डेली, 7 दिन तक 3-3 दफ़ा। फिर इस तरह जब टाइम गुजरता है फिर मैं 7 दिन इस तरह सूरह रहमान पढ़ती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला ने उनको जुड़वा बेटे दिए, ठीक है, जुड़वा 2 बेटे और 2 बेटियां। अल्लाह ताला ने उन पर इतना रहम किया, इतना रहम। तो वो कहती है ना सारी बरकत सूरह रहमान की, और वाकई में इस तरह जब भी आप सूरह रहमान पढ़ोगे ना तो आपकी जो डिप्रेशन है, टेंशन है, जो भी मसले मसाइल है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया है मेरे साथ। अच्छा, अक्सर ये होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन हो या डिप्रेशन हो या कोई भी मसला हो, जैसे कि YouTube पर हम काम कर रहे हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, रिश्ते ना आना, औलाद का ना होना, ससुरालियों का ना अच्छा होना, हस्बैंड बेवफा निकल जाए, तो हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम जिक्र वज़ाइफ सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी हमारे दिल में ये होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि देखो अल्लाह ताला ना हमारा साथ नहीं दे रहा। तो ये गलत बात है, अल्लाह ताला तो हमें आजमा रहा है, हर काम में देर लगती है, पर हम इंसान जो है ना बहुत बेसब्रे हैं और बहुत जल्दी अल्लाह ताला से उम्मीद तोड़ देते हैं, बल्कि ये बहुत बुरी बात है, गलत बात है। हमें कभी भी अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, और हम जो है ना इंसानों से उम्मीद लगा बैठते हैं और अल्लाह ताला से उम्मीद छोड़ देते हैं।
जो कि गलत बात है। अल्लाह पर कभी, अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं हटनी चाहिए और इंसान पर कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए, ठीक है, यकीन नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारा कोई भी मसला होता है, सीक्रेट होता है, अल्लाह की बजाय हम इधर उधर चले जाते हैं, पड़ोस में बता देते हैं, दोस्तों को बता देते हैं, तो वो क्या होता है कि उनके मुंह से निकल जाता है, जैसे देवरानी जेठानी आपस में दिल की बातें बता देती हैं। मतलब हमें ये करना चाहिए कि जो हम दूसरों को, इंसानों को अपनी दिल की बात बताते हैं ना, तो वो हमें अल्लाह ताला को बतानी चाहिए। अल्लाह ताला ऐसे सुनता है, ऐसे सुनता है ना कि क्या बताऊँ। अल्लाह सिर्फ़ हमें रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा होता, क्योंकि अल्लाह ताला किसी के साथ बोलता नहीं है, अल्लाह ताला करता है। तो जब हमें अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला खुद कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं, फिर हम इधर उधर जाते हैं, पीरों के पास, दरगाहों के पास तावीज़ें करते हैं, ये वो, जो कि बिल्कुल सरासर अल्लाह ताला के साथ शिर्क है, जिससे अल्लाह ताला और भी नाराज़ हो जाता है, जिससे हमारी ज़िंदगी की तकलीफ़ें और भी बढ़ जाती हैं। हम ये नहीं करते कि हम बैठ जाए कुरान पाक की तिलावत करें ताकि हमारे दिल को सुकून मिले। हम ये नहीं करते कि हम दो रकात सलात हाजत की नफल पढ़े जिससे हमारी ज़िंदगी को सुकून मिले। और आप यकीन माने ना, जब आप पे कोई भी मसला, मुसीबत, डिप्रेशन हो ना, अगर आपका नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, कुरान पाक की तिलावत करने को दिल नहीं चाह रहा, तो आप बस सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार सूरह रहमान की तिलावत करें। ये मैंने बहुत टाइम पहले, 1 साल पहले तरफ खान के व्लॉग देखा था, वाकई में उसमें बहुत पावर है। मैं अक्सर जब टीवी में सूरह रहमान लगाती हूँ ना, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे घर में सुकून होता है। तो अगर आप डेली पढ़ सकते हैं 3 बार तो अच्छी बात है, अगर डेली नहीं पढ़ सकते तो 7 दिन तक आपने ना सूरह रहमान की तिलावत करनी है, 7 दिन तक 3 दफ़ा, जो भी टाइम मिले, जिस टाइम भी आपको, आप कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, बहुत ज़्यादा, जिससे आपके सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। और मैंने ख़ुद भी आजमाया है, मेरी इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि हम कहें कि मैंने आजमाया है, फलाने ने आजमाया है, मैंने देखा है। अल्लाह ताला की दीन में, अल्लाह ताला के वजीफ़ों में, अल्लाह ताला की कुरानी आयतों में, सूरतों में, हमें तो शक की गुंजाइश पैदा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक शिर्क में आता है। जब अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं कुन फैकुन कर देता हूँ, तो हम फिर क्यों अल्लाह ताला पर उम्मीद नहीं करते, अल्लाह ताला पर यकीन नहीं करते, अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं लगाते। जब हम अल्लाह ताला पे यकीन करेंगे, अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखेंगे, तो आप यकीन माने ना, हमारे डिप्रेशन, हमारी टेंशनें, हमारे मसले मसाइल इस तरह ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, थोड़े दिन पहले मुझे एक मसला आया था, फिर मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मुझ में तो ताकत नहीं है अपने मसले हल करने की, पर अल्लाह ताला तू तो बहुत पावरफुल है, तू तो सब कुछ कर सकता है, मैं अपने जितने भी मसले हैं तेरे हवाले कर देती हूँ, और तू ही मेरा वकील है, तू ही मेरा जज है, तू ही मेरा सब कुछ है, अब तू ही मेरे मसलों को हल कर दे। तो यकीन माने, मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला, ऐसी तसल्ली मिली, क्योंकि मुझे अल्लाह पे यकीन है कि अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह करेगा। तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं ना, वो आप पल्लू से बांध, और ये नहीं कि एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल लिया, नहीं, आप पे मसले आते हैं तो ये वजीफे ज़रूर तो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।